Behold her, single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here, or gently pass. Alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among arabian sands a voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird Bre breaking the silence of the seas among the farthest hebrides will no one tell me what she sings perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far-off things and battles long ago, or it is some more humble lay, familiar matter of today, some natural sorrow, loss, or pain that has been and may be again. Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending.

फ़सल काटने वाली अब ये जो सॉलिटैरी रीपर है ये एक ऐसा वर्ड है कि जो आप मर्द के लिए भी यूज़ कर सकते हैं औरत के लिए भी यानी इसके अंदर कोई ये नहीं है कि कोई जिन्स का इसमें चक्कर नहीं है लेकिन हमने पोइम पढ़ी तो हमें अंदाजा हुआ कि इसमें एक किसी औरत के हवाले से बात हो रही है तो इसका जो टाइटल है उसका हम तर्जमा करेंगे अकेली फसल काटने वाली औरत या तनह फ़सल काटने वाली औरत अब जो विलियम वर्ड्सवर्थ है आपने उसकी डेफोडेंस पढ़ी होगी तो उसमें भी यही है कि वो टहल रहा था तो उसने फूल देखे और उसने उनके हवाले से नज़म लिख दी तो इसमें भी विलियम वर्ड्सवर्थ कहीं पे टहल रहे थे कहीं पे सफ़र कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक औरत है जो अकेली फसल काट रही है तो उन्होंने उसको जो देख के उनकी जो फीलिंग्स थी उसको उन्होंने एक नज़म की सूरत में आपके सामने रखा है तो चलें इसका आज तर्जमा करेंगे और फिर नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इसकी एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बी होल्ड हर ज़रा इसको देखो सिंगल इन द फील्ड के खेत में अकेली है यॉन सॉलेटरी हाईलैंड लैस यौन, हाई यौन दैट सॉलिटरी अकेली हाईलैंड हाई लैंड हाई एक स्कॉटलैंड के अंदर एक इलाका है स्कॉटलैंड के को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया गया हाई लैंड एंड लैंड ठीक है तो हाई लैंड के हाई लैंड के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली यौन सॉलिटेरी हाई लैंड लैस लैस का मतलब लड़की आ, वो, देखो उस देखो उसको अकेली खेत में वो अकेली हाईलैंड की लड़की रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ कि वो फसल भी काट रही है और खुद ही खुद में क्या कर रही है वो गाना भी गा रही है सिंगिंग बाय हर सेल्फ़ का मतलब होता है कि जब आप खुद गाना गा रहे होते हैं और किसी को सुना नहीं रहे होते हैं, बस ऐसे ही आपने देखा होगा कि लोग जब फसल काट रहे होते हैं या इवन आप भी ऐसा करते होंगे कि को कोई काम करते हुए साथ में गुनगुनाना शुरू कर दिया स्टॉप हेयर और जेंटली पास अब वो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो अपने आप को कह रहे हैं कि यहाँ पे रुक जा और थोड़ी देर इस नज़ारे को देख या फिर चुप करके जेंटली बहुत आराम से यहाँ से गुजर जा अलॉन्शी कट्स एंड बाइंड द ग्रेन अकेली ही वो जो ग्रेन है जो गला है उसको काटती है और फिर उसके गट्ठे जो हैं बांधती है यानी उसको काटती भी खुद है जैसे आपने गंदम को कटते हुए देखा होगा या चावलों को कटते हुए देखा होगा कि पहले काट के फिर उसके जो गड्ढे होते हैं वो बनाने पड़ते हैं अलोंग शी कट्स एंड बाइंड द ग्रेन एंड सिंग्स मैलन चौली स्ट्रेन स्ट्रेन नगमा कि वो अकेली ही फसल को काट रही है और उसको बांध भी रही है और साथ ही साथ वो उदासी का एक गीत भी गा रही है मैलन चौली जो उदासी के जो नगमे होते हैं जो उदास कर देने वाले नगमे होते हैं उनको हम मेलन चौली सॉन्ग्स कह सकते हैं मैलन चौली जो है वो लेज कह सकते हैं स्ट्रेंज कह सकते हैं स्ट्रेन नगमा ओ लिसन अरे ओ सुनो फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवर फ्लोइंग विद द साउंड अब वो कह रहे हैं कि ओ सुनो अब यहाँ पे ये यह जो राइट right, पोइट कह रहा है ओ oh, लिसन अब यहाँ से हो सकता है कि वो उस लड़की को कह रहा है ठीक है लड़की को को मुखातब करके कह रहा है या हो सकता है कि उसने लड़की को उस वक़्त मुखातब करके नहीं कहा था बल्कि अब जब वो अकेला बैठ के नज़म लिख रहा है तो नज़म लिखते हुए शायद वो ये जो ख़िताब है लड़की को वो कर रहा है कि समटाइम्स आप हकीकत में किसी को पुकारते हैं और फिर उसका अहवाल नज़म के अंदर लिखते हैं और कभी कभी आप वैसे शायरी के अंदर जो है वो शायरी में आप किसी को पुकार रहे होते हैं ठीक है जैसे इकबाल जो है वो खुदा से मुखातों के कहते हैं कि कभी आए हकीकत मुंतज़र नज़र लिबास बजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज में तो इस तरीके से आप सम टाइम्स जो है वो पोइटरी के अंदर हकीकत में नहीं पोइटरी के अंदर आप किसी को क्या कर रहे होते हैं मुखातब कर रहे होते हैं ओ लेसन अरे ओ सुनो फ़ॉर द वेल प्रोफाउंड वेल वादी प्रोफाउंडसन के जो हसें वादी है इज़ ओवर फ्लोइंग विद द साउंड कि जो उस का उस लड़की का जो गीत है उससे वो जो पूरी वादी है वो क्या है वो ओवरफ्लो हो रही है कि पूरी वादी उसके गीत से सरशार हो रही है नो नाइटिंगल डिड एवर चॉन्ट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन शेडी हॉट अमोंग अरेबियन सैंड्स अब यहाँ पे वो जो लड़की का गीत है उसको वो उस, उसको वो कंपेयर कर रहा है एक बुल बुलबुल के गाने के साथ कह रहा है कि किस किसी आज तक किसी भी बुलबुल बुल ने ऐसा गाना नहीं गाया मोर वेलकम नोट्स टू वियेरी बैंड्स कि जिसमें ऐसे, ऐसे 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 बोल हों जो वियरी बैंड्स वियरी बैंड्स जो थके हुए गिरोह होते हैं किस चीज़ के ऑफ ट्रैवलर्स इन शेडी हॉड्स जो किसी नखल के अंदर यानी यहाँ पे वो आप पॉइंट की इमेजरी चेक करें कि वो कह रहा है कि आप ऐसे समझें कि जैसे एक अरेबियन uh, सैंड्स के अंदर यानी कि अरब के सहराओं के अंदर जो मुसाफिर सफ़र कर रहे होते हैं और वो थक जाते हैं और वो फिर जाके कि किसी नखल के अंदर यानी कि वो जो यू नो सहराओं के अंदर वो जो एक छोटा सा uh, खजूरों का एक झुंड आ जाता है जहाँ पे पानी भी होता है तो इसकी लिटरेचर के अंदर ना बड़ी एक बड़ी फैसिनेटेड इसकी एक वैल्यू है कि आप जैसे हम कहते हैं ना जैसे जैसे किसी को सह, जैसे किसी प्यासे को सहरा में पानी मिल जाए तो वो मतलब वो उसकी फिर कितनी वैल्यू होती है अच्छा अब सहराओं के अंदर ना जो नख़लस्तान होते हैं ना तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे चूँकि ट्रैवलर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं और वो एक तरह से कह लें कि उनकी एक रिज़ॉर्ट भी उनका एक रेस्ट हाउस भी होता है उनके लिए एक वो एक तरह से कह लें कि एक रेस्टिंग पॉइंट भी होता है तो वहाँ पे फिर ना गीत गाने वाले भी मौजूद होते हैं नखलस्तानों में और वहाँ पे मांगने वाले भी तो बड़ा उसका एक ना बड़ा एक अज, बड़ा एक प्यारा सा माहौल होता है तो पोइट यहाँ पे कह रहा है कि उस लड़की को मुखातब करके कह रहा है कि जिस तरीके का तुम गाना गा रही हो इस तरीके का गाना आज तक किसी ने नहीं गाया हती कि किसी वो जो बुलबुलें होती हैं जो जो थके हुए गिरोह जब नखलिस्तान पे आ रहे होते हैं तो नखलिस्तानों पे बैठी हुई जो बुलबुलें हैं वो उनको जिस तरीके से वेलकम कर रही होती हैं तो उनका जो गीत होता है लड़की को मुखाते होकर कह रहा है कि तुम्हारा गीत जो है वो उस बुलबुल से भी ज़्यादा क्या है खूबसूरत है अच्छा अब वॉइस सो थ्रिलिंग के जो तुम्हारी वॉइस है अब वॉइस की एक ऐसी आवाज़ है सो so थ्रिलिंग जो इतनी पुरजोश है नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द बर्ड आप उसकी आवाज़ की मजीद तारीफ करते हुए कहते हैं कि जब बाहर का मौसम होता है और बाहर के मौसम में जो कुकू है कोकू परिंदा जो है वो जब गा रहा होता है तो पॉइंट ये कह रहा है कि तुम्हारी आवाज़ जो है उसमें इतनी थ्रिल है उसमें इतना जोश है कि इतना जोश तो बाहर के मौसम में जो कुकु परिंदा जो गा रहा होता है उसकी आवाज़ में भी नहीं होता ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज़ ठीक है और तुम्हारी जो जिस तरह कुकु कुकू बर्ड होता है और वो समंदरों की जो खामोशी होती है उसकी आवाज़ से अपनी आवाज़ से वो समंदरों की खामोशी को तोड़ रहा होता है अमंग द फार हैब्रिडीज़ हैब्रिडीज़ क्या है ये स्कॉटलैंड के मगरब में एक दलदली जिस दलदल नहीं होती दलदली नोयीत का एक समंदरी हिस्सा है जिसको हम हैब्रिडीज़ कहते हैं तो पॉइंट ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जब बाहर का मौसम आता है और हैब्रिडीज़ का का जो बिल्कुल खामोश इलाका है क्योंकि वो दलदली इलाका है ना तो वहाँ पर इतना ज़्यादा शिप्स भी नहीं जाते तो वहाँ पे जब कुकू बोलता है तो कुकू क्या करता है वो खामोशी को तोड़ रहा होता है तो पोइट जो है इस लड़की की आवाज़ को उस कुकू की आवाज़ के साथ क्या है? कर रहा है तशवी दे रहा है कि आप जो तुम्हारी आवाज़ उस लड़की को कह रहे हैं कि जो तुम्हारी आवाज़ है वो भी क्या है इतनी थ्रिलिंग है कि ये इस तरीके की आवाज़ तो कभी बाहर में भी नहीं सुनी गई नेक्स्ट टैंजा की तरफ बढ़ते हैं तो कह रहे हैं कि विल नो वन टेल मी वट शी सिंग्स क्या मुझे कोई बताएगा कि ये क्या कौन सा गाना है जो ये लड़की गा रही है पर हैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो तो जैसे वो गा रही है ना तो वो शायद रैंडमली गा रही है कभी कोई बोल किसी गाने का गा देती है फिर कोई बोल दूसरे गाने का गा देती है तो इस तरीके से वो मिक्स मतलब जब आप अकेले होते हैं तो आप ऐसे ही मुख्तलिफ सॉन्ग्स जो होते हैं वो गुनगुना रहे होते हैं तो कह रहे हैं कि विल नो वन टेल मी वट शी सिंगस क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि ये लड़की क्या गा रही है पर हैप्स द प्लेंटिव प्लेंटिव उदास प्लेंटिव नंबर्स फ्लो कि शायद हो सकता है कि ये जो उदासी के गीत हैं वो काफ़ी सारे गीत जो है वो यके बाद दिख रहे कि वन आफ्टर अनदर वन आफ्टर अनदर ये गा रही है फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो शायद वो पुरानी नाखुशगवार दूर दराज की चीज़ें और उन जंगों के बारे में जो बहुत लंबा अरसा पहले हो चुकी हैं शायद उनके हवाले से वो गा रही है और इट इज़ सम मोर हम्बल ले या शायद ये इससे भी ज़्यादा ग़मगीन गीत है ठीक है ये पीछे एक ऑप्शन बता रहे हैं कि शायद ये कुछ पुरानी पुरानी यादों के हवाले से कुछ तलख तजर्बात के बारे में या कुछ दूर दराज मौजूद चीज़ों के हवाले से या कुछ जंगों के हवाले से गा रही है या शायद ये उससे भी कोई ज़्यादा गम वाला गीत हम्बल ले ले गीत को बोलते हैं फेमिली मैटर ऑफ टुडे शायद ये कोई आज के हवाले से गीत गा रही है कि जो आज की यानी यहाँ से ना पोइट जो है वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो माजी में हुआ वो तो बहुत बुरा था वो तो बहुत अनहैपी था लेकिन जो आज हो रहा है वो शायद और भी ज़्यादा टफ है जो आज की ज़िंदगी है वो आज भी ज़्यादा टफ है सम नेचुरल सोरो लॉस और पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन या शायद ये लड़की जो है ये उस फितरती गम उस फितरती नुकसान और उस फितरती दर्द के हवाले के बारे में गा रही है जो माजी में भी रह चुका है और शायद दोबारा भी इंसान के साथ वाबस्ता होगा आगे पॉइंट ये कहता है कि वट एवर द थीम खैर जो भी ये गाना गा रही है मे, जो जो भी वो गाना गा रही थी द मेडन सेंग के जो भी जो जो भी उसके बोल थे पोइटरी कह रहे हैं कि मुझे एग्जैक्टली exactly बोल याद नहीं है आ, लेकिन जो भी था द मेडन मेडन जो खूबसूरत और होती है द मेडन सेंग वो देवी नुमा लड़की जो थी वो गाती रही एंड इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग और वो इस तरीके से गा रही थी जैसे उसके गाने का कोई इख्ताम ही नहीं है क्योंकि वो जब आप गुन जैसे मैंने आप पहले बताया कि जब आप गुनगुना रहे होते हैं तो रैंडमली आप जो है वो गानों को गुनगुना रहे होते हैं आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क मैंने उसको अपने काम के दौरान गाते हुए देखा एंड ओवर द सिकल बैंडिंग और वो जो फसल काटने वाला जो औज़ार होता है जिसको दरांती भी कहते हैं तो वो अब उस दरांती के ऊपर झुकी हुई थी और जैसे गंदम आप काटते हैं ना तो वो दरानती अपने हाथ में पकड़ी होती है और आप झुक के काट रहे होते हैं तो पॉइंट ये कह रहा है कि मैंने उसको गाना गाते हुए देखा और वो अपने काम के दौरान अपने काम के औज़ार पर झुकी हुई थी आई लिसन मैंने उसको सुना मोशनलैस इस अंदाज में कि मैं बिल्कुल खामोश हो के मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था एंड स्टिल और बिल्कुल मैं रुका हुआ था एंड एज आई माउंटेड ऑफ द हिल और जब मैं ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ा द म्यूजिक इन माई हार्ट के जो और राइटर ये पोइट ये कह रहा है कि मैंने उसको खामोशी से सुना बिल्कुल रुक के तसली के साथ एंड एज आई माउंटेड ऑफ द हिल और साथ ही साथ मैं Uh, क्या था uh, uh, पहाड़ी की तरफ भी चढ़ता चर, गया अब यहाँ पे ना देखें एक पोइट्री की आप और फिर है भी विलियम वर्ड्स वर्थ आप ब्यूटी चेक करें कह रहे हैं कि आई लिसन मोशन लेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर तो कह रहे कि मैं उस गाने को सुन के तो मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ गया लेकिन वो जो उस गाने की जो चाशनी थी उस गाने की जो लज्जत थी वो अब वो लड़की तो पता नहीं अब गाना गा रही होगी या नहीं गा रही होगी लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी वो जो म्यूज़िक है वो अभी भी मेरे दिल के अंदर बजता है अभी भी वो म्यूजिक जो है वो मेरे दिल के अंदर क्या है महफूज़ है तो विलियम वर्ड्सवर्थ के हवाले से थोड़ा सा देख लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ अप्रैल सेवन्थ सेवनटीन सेवेंटी को पैदा हुए और अप्रैल ट्वेंटी थर्ड 1850 में इनकी डेथ हुई ही वॉज एन इंग्लिश पोएट ही वॉज बॉर्न एन कॉकरमाउथ क्यूम्बरलैंड लोकेटेड इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड और इनको लेक पोएट्स भी कहा जाता था ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ रोमांटिसिजम इन इंग्लिश पोएट्री ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज लिरिकल बैलेट्स लिरिकल बैलेट्स इनकी एक किताब है जो इन्होंने सैम्यूल टेलर कॉलेज एस टी कॉलेज के साथ इन्होंने मिलकर लिखी थी और दूसरी इनकी जो किताब है दैट इज द प्रेल्यूड जिसमें इनकी अपनी आप बीती है विच इज अ रोमांटिक एपिक पोएम इन 1843 फोर्टी थ्री वर्ड्स वर्थ बिकेम द पोएट लॉरेट पॉयर्ट लॉरेट जो सरकारी जो मतलब सरकार की तरफ से एक उहदा दिया जाता है जो सबसे बड़ा पोएट होता है उसको अपॉन द इंसिस्टेंस ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील तो उस टाइम का जो प्राइम मिनिस्टर था यूके का रॉबर्ट पील उसने इनको पोएट लॉरेट का खिताब जो था वो दिया था तो आज हमने इसकी रीडिंग की आज हमने पोइन को समझा नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इनशाला इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज